एक शब्द जिसको हम कह रहे हैं जिंदा रहना, एक दूसरी भाषा दूसरा शब्द हम प्रयोग कर सकते हैं कि जीना। जब जीने की बात कर रहे हैं तो उत्सव पूर्वक ही जीना होता है, उत्सव पूर्वक ही जीना होता है। जब जीने की बात कर रहे हैं तो जिंदा रहना उसमें शामिल है ही, लेकिन जिंदा रहने में जीना शामिल नहीं है। ये बात हमारी क्लैरिटी में आ गई कि यदि एक मानव को देखें वो जिंदा रहता है तो वो कोई आहार करता है, आहार, निद्रा, भय और प्रजनन, ये मानव में भी है और पशु में भी है। इसको बोलचाल की भाषा में, एक्सटेंडेड टर्मिनोलॉजी में, इसको बोलते हैं चार विषय। चार विषय के रूप में और पांच इंद्रियां, फाइव सेंसेस जो हम बात करते हैं, तो पांच इंद्रियों के रूप में शब्द, स्पर्श, रूप और गंध हम बोलते हैं, स्पर्श करते हैं, देखते हैं, जीभ से कोई, नाक से सूंघते हैं, रूप रस, शब्द स्पर्श रूप रस, जीभ से कुछ, आंख नाक, है ना, ये सब, इसको पांच इंद्रियां बोलते हैं। तो जैसे ये चार विषय, पांच इंद्रियां मानव के पास भी है, पशु के पास भी है, गाय में भी है, मानव में भी है, लेकिन चार विषय पांच इंद्रियों को जैसा मानव यूज करता है और जैसा पशु यूज करता है, दोनों एक ही जैसा है कि दोनों में कुछ अंतर है? तो पशुओं के जिंदा रहने में, पशु भी जिंदा रहते हैं, उनके भी बच्चे पैदा होते हैं, वो भी खाते पीते हैं, वो भी समूह में रहते हैं, मानव भी समूह में रहता है, तो पशुओं के जिंदा रहने में और मानव के जिंदा रहने में कोई अंतर है या नहीं है? मानव के साथ मन जुड़ा हुआ है, पशु में मन नहीं होता है। हाँ, तो वो ये अपना खुद का नहीं सोच सकते हैं, मानव अपना खुद का सोच सकता है। तो ये ठीक हो गया। तो जुड़ने से चार विषय पांच इंद्रियों में क्या फर्क पड़ता है, मन होने या ना होने से? ऐसे मन उधर है, इंद्रियों वो मानव इंद्रियों का सदुपयोग कर सकता है, पशु कर नहीं सकते हैं। ये तो आप उल्टा बोल रहे आप शेर मर जाएगा, घास नहीं खाएगा, गाय मर जाएगी, मांस नहीं खाएगा, एक पशु को पता है कब खाना है, क्या खाना है, कितना खाना है। हम PhD करने के बावजूद नहीं तय कर पाए कि कब खाना है, कितना खाना है, कैसा खाना। पशु पांच इंद्रियों को यूज करते हैं और चार विषय पूर्वक जिंदा रहते हैं, ये पशु की कहानी है। तो इसका मतलब है कि पशु गंध विधि से अपने आहार, निद्रा, भय, मैथुन को यूज करके, आहार, निद्रा, भय और प्रजनन पूर्वक जिंदा रहने का काम करता है। ये हमको पशु में देखने को मिलता है। मानव का ऐसे ही है कि कुछ अलग है? मानव में कैसा है? मानव में बिल्कुल इसके विपरीत है। मानव चार विषय को यूज करता है, चार विषय को पांच इंद्रियों से सुखी होने के लिए इस्तेमाल करता है। जब आप खाना खाने जाते हो तो आप ये सोच के जाते हो कि मैं शरीर को जिंदा रखने के लिए, भाई मैं शरीर को जिंदा रखना चाहता हूं, नाश्ता ले आओ। तो आप क्या बोलते हो, आज खाने में क्या बना है? ठीक, तो मैं तो खाने का स्वाद लेना चाहता हूं, शरीर का जिंदा रहना बाय प्रोडक्ट। तो बेसिकली मैं खाना खाता हूं खुश होने के लिए, अच्छा लगता है, तो मैं चार विषय को यूज करता हूं कि पांच इंद्रियों से सुखी हो सकूं, और जिंदा रहना बाय प्रोडक्ट है। पशु चार इंद्रियों को यूज करता है, पांच इंद्रियों को यूज करता है ताकि चार विषय पूर्वक जिंदा रह सके। चलिए, लेकिन ऐसा क्यों होता है, ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों है? पशु में सोचने की समझने की शक्ति नहीं है। पशु में सोचने समझने की जितनी शक्ति है वो उसके वंश के अनुसार शरीर को जिंदा बनाए रखने के लिए है। मानव में उसके पास सोचने की फ्रीडम है। तो इसलिए दो चीजें और इंट्रोड्यूस कर दिया,
सभी मानव के पास दो वरदान हैं, एक कल्पनाशीलता, पावर ऑफ इमेजिनेशन, दूसरा कर्म स्वतंत्रता। ये दो वरदान सभी मानव के पास प्राप्त हैं, है ना, फ्रीडम ऑफ थॉट एंड फ्रीडम ऑफ वर्क। कल्पनाशीलता, कर्म स्वतंत्रता, ये दो वरदान सभी मानव को प्राप्त है जो पशु को प्राप्त नहीं है। इसलिए मानव पशुओं से श्रेष्ठ इवॉल्व्ड इकाई है। तो मानव को देखें तो बेसिकली वो सुखी होना चाहता है। उसका सुख एक तरफ तो उसका सुख इंद्रियों से आता है, तो सुखी होने के लिए एक उसकी निर्भरता है कि वो इंद्रियों से सुखी होने का प्रयास करता है। दूसरा उसकी मानव में जो सबसे बड़ी चीज है और बहुत इम्पॉर्टेंट चीज है और बहुत नेचुरल चीज है और बहुत आवश्यक चीज है, उसकी पहचान और उसका सम्मान। एक गरीब से गरीब आदमी भी क्या बोलता है, बाबूजी दो रोटी इज्जत की चाहिए। गरीब से गरीब आदमी भी ये नहीं कहता कि अपमान की दो रोटी चाहिए। तो इज्जत की दो रोटी चाहिए, रोटी चाहिए पर इज्जत के साथ चाहिए। तो ये इज्जत है, ये जो उसको इज्जत की चाहना है, सम्मान की चाहना है, उसकी पहचान, उसका सम्मान, उसकी इज्जत, ये भी कोई चीज है जिससे वो सुखी होने का प्रयास करता है। अभी पहचान का हमारा तरीका कैसा है, पहचान के लिए हम क्या करते हैं, है कुछ बन के दिखाते हैं, और पहचान के लिए क्या करते हैं। पहचान के लिए सबसे स्टार्टिंग और बिगिनिंग में है, सबसे पहली चीज है मैं कैसा दिख रहा हूं। नहीं पूछते हैं एक दूसरे से मैं कैसा दिख रहा हूं, ठीक। तो मैं कैसा दिखता हूं ये आदमी के लिए काफी, उसके लिए वो सेंसिटिव है, है ना। तो रूप एक आदमी के लिए, उसका रूप, उसके मोबाइल का रूप, उसकी गाड़ी का रूप, उसके मकान का रूप, फिर सब रूप इसमें आ जाते हैं। तो रूप एक आदमी के लिए बहुत मैटर करता है। अभी जब हम रोजमर्रा की जिंदगी को देखते हैं, फिर बल, उसका शरीर और धन और पद, ये चार चीजें हैं। यदि अपनी रोजमर्रा की जिंदगी को देखें, अपनी जिंदगी में झांक के देखिए, सारी जिंदगी में जिन चीजों को हमने उपलब्धि माना है, अचीवमेंट माना है, उसमें क्या क्या चीजें आती हैं। तो हम क्या कोशिश कर रहे हैं रोजमर्रा की जिंदगी में, मैं कैसा दिखता हूं, फिर मेरा शरीर, पूरा शरीर अच्छा दिखे, अच्छा हो, फिर पैसा कितना है और पद कैसा है। पद सामाजिक हो, मैं समाज का अध्यक्ष हो जाऊं या सीईओ हो जाऊं या और कोई कंपनी में, सरकार में पद पा जाऊं, तो मैं किसी पद को पा जाता हूं, तो ये मेरी पहचान के, अभी वर्तमान जीवन शैली में ये हमारी पहचान के बड़े आधार हैं। इसके अलावा कोई और आधार जो हम यूज कर रहे हों, जिस पे हम चलना चाहते हैं। प्रख्याति, हाँ वही है, पद। सारी ख्याति या तो पैसा होने से, लोग आपको पैसा क्या है, खुदा नहीं है तो खुदा से कम भी नहीं, ऐसा चलता है। फिर इधर क्या है, पद से आपकी ख्याति है। तो सारी ख्याति पद और धन और रूप और बल के साथ में जुड़ी है। पद का मतलब एक प्रभाव है। ओके। अब अगली बात ये निकल के आई कि जिस पहचान और सम्मान की तलाश में मैं रूप बल धन पद को पाता हूँ, रूप बल धन और पहचान से मिलने वाला पहचान स्थाई है कि अस्थाई है। रूप स्थाई है कि अस्थाई है, मेरे मन में मैं मतलब ऐसे भी देखता हूं कि मतलब बाल काले कर लिए हैं, दूसरे को तो नहीं पता है, आपको तो पता ही है ना आपके सफेद है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारा, हम दूसरे के लिए कितना भी प्रेजेंटेबल बन जाएं, अपने भीतर भाव कितना भी गड़बड़ हो, बाहर से कितना भी स्माइलिंग फेस और अच्छे शब्दों से प्रस्तुत हो जाएं,
अपने भीतर की स्थिति को तो हम भीतर की स्थिति को भोग रहे हैं कि बाहर की स्थिति को भोग रहे हैं? भोगते तो अंदर की स्थिति को है, उससे हम भाग नहीं सकते। तो एक क्लैरिटी हमारी बने कि रूप स्थाई है कि अस्थाई है, शरीर स्थाई है कि अस्थाई है, धन स्थाई है कि अस्थाई है, पद स्थाई है कि अस्थाई है, सब अस्थाई है। और मैं क्या चाहता हूं, मेरी पहचान कैसी हो, स्थाई हो कि अस्थाई हो? मैं अपनी पहचान, अपना सम्मान स्थाई चाहता हूं, और उसके टूल्स क्या हैं? अस्थाई। मैं क्या कोशिश कर रहा हूं? दोस्तों, ये सारी चीजें परिवर्तनशील हैं, जिससे हम स्थाई तो पाना चाहते हैं वो खुद में अस्थाई है। ये बात 99% लोग यदि इसमें जीते हैं, यदि हम ऐसा जीते हैं तो 3 गिफ्ट फ्री में मिलता है। भूतकाल की पीड़ा, वर्तमान से विरोध और भविष्य की चिंता, इसी से सारा युद्ध और संघर्ष है। दुनिया की कहानी कुल इतनी है। तो ये हमने कुछ चर्चा की जिंदा रहने को लेके। तो बेसिकली ये सारी चर्चा जिंदा रहने को लेके है। जीना किसको बोलेंगे, जीना किसको बोलेंगे, ये चर्चा हम लौट के करेंगे, है ना। अभी टाइम कम रह गया, लेकिन मैं 2 बातें डाल के आगे कर देता हूँ। जीना किसको बोलेंगे, जीना किसके साथ होता है, पहले ये समझ लेते हैं कि जीना क्या नहीं है, फिर जीना क्या है उसकी लौट के चर्चा कर लेंगे। जैसे गरीबी के साथ जीना होता है कि झेलना होता है, अपमान के साथ जीना होता है कि झेलना होता है, असुरक्षा के साथ जीना होता है कि झेलना होता है, भय के साथ जीना होता है कि झेलना होता है, अनिश्चितता के साथ में जीना होता है कि झेलना होता है, इसका मतलब कहां कहां जीना नहीं होता है, ये पकड़ में आ गया। संबंध में गिला शिकवा शिकायत है तो उसके साथ में जीना होता है कि झेलना होता है, झेलना होता है। तो फिर जीना कहां होता है,